वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल। ये हमने दाल निकाल ली है, अब मैं इसको वॉश करूंगी। अब मैं एक कुकर में पानी लूंगी, इसको मैं बॉईल करूंगी पानी को, फिर उसमें मैं दाल डालूंगी। दाल के अकॉर्डिंग हम पानी ले लेंगे। अब मैंने इसको गैस पे रख दिया है, दाल डाल देती हूँ। अब इस पे दाल डल चुकी है, जब इसमें झाग उठ जाएंगे तो हम इसके झाग उतार देंगे और फिर इसमें मसाले डाल देंगे। अब हम दाल में मसाले डाल देते हैं, आधी चम्मची लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया, दो तीन हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें 3 से 4 सीटी दे देंगे और अब हमारी दाल बनके तैयार है। अब हम प्याज लेंगे, हम बघार लगाएंगे, हम इसमें से हाफ प्याज काट लेंगे और एक साइड हम गैस पे एक तवे में तेल को बॉईल कर लेते हैं। जब इसमें अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसको बघार लगाएंगे। बघार के लिए 2 साबुत लाल मिर्च ले लेंगे हम, प्याज, हींग, थोड़ा सा जीरा। ये देखो तेल अच्छी तरह से पक रहा है। ये रही हमारी दाल, इसमें प्याज डालते हैं। ये हमारी दाल बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से धनिया डाल देंगे। ये हमारी दाल बनके रेडी हो गई है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं रोटी बनाऊंगी। ये दाल बहुत ईजी है बनाने में, ये सिर्फ 5-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आप कभी भी इसको बना सकते हैं। ओके, अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। मेरा व्लॉग पूरा हुआ। बाय बाय।